के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस लोकसभा सीट से तीसरी बार नामांकन किया। प्रधानमंत्री के साथ एनडीए गठबंधन के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, रामदास अठावले, संजय निषाद, जीतन राम मांझी, चंद्रबाबू नायडू आदि उपस्थित रहे। साथ हैं सीएम साहब, माहौल तो आप देख रहे हैं, ये लोगों में क्या उत्साह है, क्या जोश है, जल्लोश है। और मोदी जी के प्रति जितना सम्मान दिख रहा है, आदर दिख रहा है, इससे साफ है कि 2014 2019 का सब रिकॉर्ड टूटेगा, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 पार का नारा है वो भी पूरा हो जाएगा। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र में मिशन 45 हमारा है और मिशन 45 हम सक्सेस करेंगे। सर, राहुल गांधी तमाम आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, तमाम तरीके की असभ्य भाषा का भी इस्तेमाल हो रहा है, उनको जवाब इस देश की जनता देगी। यहाँ पर जो काम है, विकास है, डेवलपमेंट है, इसे मोदी जी ने प्रायोरिटी दी है और राहुल गांधी जी ने जो विकास के एंटी डेवलपमेंट, ये उनका रवैया है। यहाँ पर एक तरफ देशभक्ति है, दूसरी तरफ आप देखते हैं जो नीति नहीं, नियत नहीं, नेता नहीं, वहाँ पर नेता भी नहीं है। यह एक मजबूत नेता है, देश को आगे बढ़ाने वाला, देश को महासत्ता की ओर ले जाने वाला ये हमारा प्रधानमंत्री है। और इसलिए राहुल गांधी और इंडिया अलायंस को अपोजिशन लीडर के लिए भी जितने सांसद लगते हैं उतने भी नहीं आएंगे। सर, मुस्लिम लीग का एजेंडा फॉलो हो रहा है। हाँ, तो मेगा शो रहा है। नरेंद्र मोदी साहब को हमने एनडीए के लोगों ने शुभेच्छा बधाई दी है और मैंने उनको ये बताया कि भाई हम बिल्कुल नहीं मानेंगे हार। मोदी जी करेंगे 400 पार, कांग्रेस पार्टी की इंडिया आघाड़ी हो जाएगी हार, फिर क्यों नहीं करेंगे हम 400 पार। विपक्ष कितना मजबूत है सर इस दौरान? हम मजबूत है, नॉर्थ इंडिया में मजबूत है, नॉर्थ ईस्ट में मजबूत है, महाराष्ट्र में मजबूत है, तो हम 400 पार करने में हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये तमाम आत्मविश्वास है जो प्रधानमंत्री जी के आचरण में झलक रहा है, उनके व्यवहार में झलक रहा है और उनके चेहरे पे एक रौनक और चमक थी और विशेष ऊर्जा थी। हम सब लोग उसके यहाँ उसमें शामिल हुए, नामांकन में शामिल हुए, हमारे लिए सौभाग्य। तूफान आने वाला है यूपी में, तूफान के कुछ संकेत होते होंगे। हाँ। मौसम के वैज्ञानिक तो इतने बहुत आप भी हो राजनीति के, मैं भी हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। और इस चुनाव में कहीं कोई नाराजगी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि उनके पक्ष में माहौल है। तो पश्चिमी यूपी को कैसे देख रहे हैं सर, क्योंकि वहाँ सारा चल रहा है? पश्चिमी यूपी तो देश के साथ है। थैंक यू। ठीक है। जब आपने मुलाकात की यहाँ पर, जब जा भी रहे थे तो ये खास मौका था, पूरा जो एनडीए कुनबा साथ था आप लोगों का? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के नामांकन में पिछली बार मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इसमें शामिल थे और इस बार जिस तरीके से पूरा एनडीए एक साथ आई है, हम लोग की ताकत भी है। आप जिस तरीके से एक तरफ बटा हुआ विपक्ष देखेंगे, जिस तरीके से वायनाड में ही उन्हीं के गठबंधन के घटक दल राहुल के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, दिल्ली में एक साथ है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, तो ऐसे में बटा हुआ विपक्ष, वहीं दूसरी तरफ हम लोग की एकजुटता, ये हम लोग के लक्ष्य को आसानी से हम लोग पहुंचे। जब मुलाकात भी कर रहे हैं जाते समय भी आपको? नहीं, बिल्कुल। पीएम क्या बोला? देखिए, पीएम साहब का हमेशा प्यार आशीर्वाद मुझे मिला है। कल ही हमारी लोकसभा में थे हाजीपुर में, जिस तरीके से वो स्नेह देकर गए, आज भी अंदर उनसे जब मुलाकात हुई और हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अब 4 जून के बाद सब दोबारा मुलाकात करेंगे। बिहार की सीटों को लेकर क्या कहेंगे? बिहार की सीटों को लेकर क्या कहेंगे? 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार में हम लोग जीतने जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तेजस्वी यादव तो कुछ अलग चीजों पर, 14 में भी तो यही बोले थे, 19 में भी यही बोले थे, क्या हो गया? 14 से बड़ी हार विपक्ष की 19 में हुई और अब 19 से बड़ी हार इन लोगों की 2024 में होने जा रही है। छती हुई राजनीति सुशील मोदी जी को लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। और आज के दिन ये विश्वास करना कि वो हम लोग के बीच नहीं है, मेरे लिए मेरे अभिभावक थे, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के पुराने साथी, पुराने सहयोगी, और हम युवा पीढ़ी के आदर्शों में से वो रहे हैं। जिस तरीके से अध्ययन कर पूरे तथ्यों के साथ वो जानकारी जनता के बीच साझा करते थे, विपक्ष की भूमिका, सत्ता पक्ष की भूमिका को हमेशा गंभीरता से उन्होंने निभाया, ऐसे में उनका आज नहीं रहना और चुनाव के दौरान उनका जाना यकीनन उनकी कमी हमेशा खलेगी। थैंक यू।
CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।